ऑडियर स्टूडेंट्स, आई हम लोग फिजिक्स फर्स्ट पेपर क्लास 12 संधारित्र और धारिता चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे संधारित्रों का संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। संधारित्रों का संयोजन क्या करते हैं, एक से अधिक संधारित्रों को जोड़ते हैं, जिसकी वजह से हम धारिता के मान में क्या करते हैं, परिवर्तन करने के लिए। तो संधारित्रों को हम तीन तरह से जोड़ सकते हैं। नंबर एक होता है संधारित्रों का सरणी क्रम संयोजन, संधारित्रों का सरणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। नंबर टू, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। और तीसरी सीरीज होती है कि संधारित्र, कुछ संधारित्र सरणी क्रम में और कुछ समांतर क्रम में, तो आपका आ जाता है संधारित्रों का मिश्रित क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड संधारित्रों का सरणी क्रम संयोजन क्या होगा। तो पहला पॉइंट आपका आ रहा है संधारित्रों का सरणी क्रम संयोजन, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसको बाय फिगर हम समझेंगे क्या होता है। एक आपका कैपेसिटर ये हो गया, जिसके प्लेट नंबर वन, प्लेट नंबर टू, ये इसका क्या हो गया, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये इसका प्लेट नंबर वन, प्लेट नंबर टू, और ये यहाँ पे आपने क्या किया, तीसरा कैपेसिटर दिया, इसका प्लेट नंबर वन, प्लेट नंबर टू, ये रेसिस्टेंस नंबर वन, अरे कैपेसिटर नंबर वन, कैपेसिटर नंबर टू, टू और कैपेसिटर नंबर थ्री, ठीक है। इसकी धारिता आपकी सी वन है, इसकी धारिता सी टू है और इसकी धारिता सी थ्री है। एक्चुअल में होता क्या है, जब हम सरणी क्रम में रेसिस्टेंस या कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो जो परिणामी वोल्टेज आता है वो आता है V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। संधारित्रों को सरणी क्रम में जोड़ने पे, संधारित्रों को सरणी क्रम में जोड़ने पर आपका जो तुल्य विभव आएगा, रिजल्टेंट वोल्टेज, ये आपका आएगा रिजल्टेंट वोल्टेज या परिणामी विभव, परिणामी विभव कैपिटल भी इक्वल, इसका वोल्टेज कितना V1, इसका V2 और इसका कितना V3, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा V इक्वल V1 प्लस V2 और प्लस आ जाएगा कितना V3। और यहाँ पे आपका V इक्वल क्या होता है, आपका एक फार्मूला है Q इक्वल क्या होता है, CV होता है, Q इक्वल CV, तो V कितना हो जाएगा, V इक्वल हो जाएगा Q अपॉन C। और यहाँ पे V1 है, आप जानते हो
कि क्यू प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वी होता है। अगर इसका वोल्टेज V1 है तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा। इसका वोल्टेज V2 तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q2। इसका वोल्टेज V3 इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q3। और कुल चार्ज कितना हो जाएगा, Q इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस क्या हो जाएगा, Q3। और यहाँ पे परिणामी विभव क्या दे रहा है, V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। यहीं से आपका हल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। और V इक्वल क्या है, Q अपान C। ये हो गया Q अपान C। और इधर क्या हो गया, ये आपका Q1 अपान C1। ये हो गया Q2 अपान C2। और ये हो गया Q3 अपान C3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर दो, आवेश की मात्रा क्या हो गई, बराबर, क्योंकि समांतर क्रम में क्या जाता है, वोल्टेज, ये धारा क्या जाती है, सेम जाती है समांतर में, श्रेणी क्रम में संयोजित सभी प्रतिरोधों और इसमें संधारित्रों पे आवेश की मात्रा या क्या धारा क्या होती है, एक समान होती है। तो Q1 बराबर क्या ले लो, Q2 बराबर Q3 बराबर Q। तो अब यहाँ पे आपका V इक्वल कितना दे रहा है, V1 प्लस V2 प्लस V3। और V इक्वल क्या हो गया, Q अपान C। और इधर क्या हो गया, Q अपान C1। ये हो जाएगा Q अपान C2। और ये हो जाएगा Q अपान C3। यहाँ से Q कामन निकाल दो, ये क्या हो गया, 1/C। इधर क्या हो गया, Q कामन निकाल दो, तो 1/C1, 1/C2 और 1/C3। Q से Q दोनों तरफ क्या हो गया, कैंसिल। इधर आपका कुल धारिता आ गई 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। यानी क्या हो जाएगी, कुल धारिता का व्युत्क्रम सभी धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में परिणामी विभव, अरे क्या कहते हैं, धारिता, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों के परिणामी धारिता आपकी आ जाएगी क्या, परिणामी धारिता का व्युत्क्रम सभी धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के क्या होता है, बराबर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लिंक में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स देखा और आपका रिजल्टेंट क्या आया, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। यदि इस तरह से n रेसिस्टेंस जुड़े हो तो उसको कहाँ तक ले जाएंगे, Cn तक ले जाएंगे। ठीक है, और श्रेणी क्रम में कुल धारिता क्या आएगी, सभी धारिताओं की सबसे छोटी धारिता से भी क्या आएगी, कम आएगी। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का मान क्या होता है, कम प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। मेरा अगला वीडियो लिंक संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन और संधारित्रों का मिक्स्ड क्रम संयोजन जारी होगा, आप मुझसे जुड़े रहिए। वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माई नेक्स्ट वीडियो लिंक रिलेटेड टू दिस टॉपिक। थैंक्स।